राइट और एक रीज़न है कि अगर आप जॉब के तौर पर ये करियर को देखते हो, राइट, कि इफ़ यू वुड लाइक टू डू अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, इंडिया में अभी कितनी वैकेंसी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए? 15,000 प्लस। सो अगर आपको आज डिजिटल मार्केटिंग पता है तो ऑन एन एवरेज आप ये बोल सकते हो कि आपके पास मिनिमम 10,000 प्लस वैकेंसीज ओपन है आज के दिन में, राइट। और वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये Naukri.com बता रही है, राइट। अगर आपको अहमदाबाद में ही जॉब करनी है, कितनी वैकेंसीज है अभी? 400 प्लस, राइट। सो आप अहमदाबाद में भी इतनी वैकेंसीज है आपके लिए, राइट। और अभी इसमें डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत है, जानने वाले, अच्छी तरह से जानने वाले लोग बहुत कम हैं, और जिसको वो बंदे चाहिए वैसे लोग बहुत ज़्यादा है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में मुझे डिजिटल मार्केटिंग के एम्प्लॉयज चाहिए, उसकी ज़्यादा कॉल आती है कंपेयर टू हमने हमको ट्रेनिंग लेनी है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस, कि अभी डिमांड एंड सप्लाई का गैप इतना है कि अगर आप आज कर लेते हो तो कन्फर्म आपको उसकी जॉब मिल जाएगी, कन्फर्म। यस सर, हम डिजिटल मार्केटिंग तो ऑनलाइन कर सकते हो, तो पर्टिकुलर अहमदाबाद में जॉब ऐसा कैसे मिलता? आपको अगर जॉब किसी फिजिकल लोकेशन पर जाकर करनी है तो उसमें तो लोकेशन रहेगा ना, आप बेंगलोर से तो ट्रैवल करके नहीं जा सकते। मैंने बोला ऑनलाइन करनी है तो पुणे का वर्क और कुछ भी वर्क हो तो यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं वो ना? आपको घर पे करना है तब की बात है, इनिशियल लेवल पर आपको कहीं पर भी जाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी आपकी एक्सपर्टीज वो सेक्शन में लाने के लिए, उसके बाद आप घर से कर सकते हो, राइट। उसके बाद है कि आप कैसे 15,000 रुपीज या ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग करके कमा सकते हो, राइट। सो अगर आप देखोगे तो ये freelancer.com है, राइट। ये freelancer.com पर आपको यहां पर पूरी चीज मिलेगी जी, ये घर पे बैठ के कर सकते हो आप, राइट। कितने वैकेंसीज है अभी, कितनी कितने टास्क एसईओ में है? 5,000 प्लस, राइट। तो 5,000 प्लस लोगों को अभी, आपको एसईओ पता है तो आप ये 5,000 में से मिनिमम 500 लोगों या 50 लोगों तो लोगों को तो अप्लाई कर सकते हो, और उनकी एवरेज वैल्यू नॉर्मली $54 है, $142 है, $555 है, उसको आप अप्रोच कर सकते हो। और यहाँ से इतना इजी नहीं है, लेकिन एक बार आपकी एक्सपर्टीज आ गई और आपने 6 months, बिलीव मी कि 6 months आपने इसमें कंटिन्यूअस एफर्ट डाली तो आपको कंफर्म यहां से काम मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। और आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में अपनी एक्सपर्टीज बनानी है, जीनरिक सेक्शन में नहीं बनानी है। एसईओ इज अ वेरी बिग थिंग, लेकिन आपने कीवर्ड रिसर्च में अपनी एक्सपर्टीज बना ली, या गूगल एडवर्ड्स में अपनी एक्सपर्टीज बना ली, या फिर पीपीसी गूगल एडवर्ड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ गूगल एडवर्ड्स, आपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग में अपनी एक्सपर्टीज बना ली, तो वो आप फिर बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि एक बार अच्छे रिव्यूज आ गए 2 या 3 तो फिर आप लोगों आप लोग आप पर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अपवर्क, ये एक दूसरा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले जिसको जॉब करनी है उसके लिए मैंने पोटेंशियल बताया, अभी जिसको एक बार एक्सपर्टीज हो गई है क्रिएट और घर पर बैठकर काम करना है या किसी भी जगह पर बैठकर काम करना है उसके लिए ये है। कितनी है यहाँ पर? 6,000 प्लस, राइट। सो 6,000 प्लस पोस्ट आर देयर रिलेटेड टू एसईओ इन अपवर्क, राइट। उसके बाद है कि फीवर, तो फाइवर। सो फाइवर में भी ऐसा है कि आप आपकी प्रोफाइल, और ये सभी में आप फ्री में प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, इसका प्रोफाइल क्रिएट करने का कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो यहाँ से भी आपका काम यहाँ पर रख कर बहुत ही स्पेसिफिक, सपोज आज मैंने कीवर्ड रिसर्च आपको सिखाया और आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए ही अपनी प्रोफाइल बनाकर रखनी है तो दैट यू कैन डू। और यहाँ पर द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको रिव्यूज अच्छे मिलने चाहिए, अगर रिव्यूज आपके अच्छे हैं तो फिर स्काई इज द लिमिट, राइट। और रिव्यूज अच्छे लाने के लिए आपको वो चीज में एक्सपर्टीज चाहिए, और एक्सपर्टीज लाने के लिए मिनिमम आपको जो हमने यहाँ पर चीज सिखाई है वो आपको मिनिमम 5 डोमेन पर करनी है। 2 डोमेन पर तो हम यहाँ से ही आपको कराएंगे कि भाई एक सर्विस वाला वेबसाइट और एक ई कॉमर्स वेबसाइट। सपोज आज हमने कीवर्ड रिसर्च सिखाया आपको, तो कीवर्ड रिसर्च आपको सर्विस वेबसाइट के लिए करनी है और ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए करनी है, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट और इंसाइट एकदम सुपर कॉन्क्रीट हो जाए, राइट। अगर आप गूगल की बात करो तो गूगल पर एवरी सेकंड 40,000 प्लस सर्च क्वेरीज होती है, राइट। बिलीव करो, एवरी सेकंड 40,000 प्लस सर्च क्वेरीज, और वो
डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में बढ़ती जाने वाली है, क्योंकि अभी इंडिया में 20% यूजर्स से ज्यादा के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट नहीं है. जो आने वाले दिनों में बाय 2020 और 2025 इट विल बी अराउंड 50%. तो आप सोचो कि अभी बिजनेस के पास जो पोटेंशियल है उससे डबल या उससे भी ज्यादा बाय 2020 या 2025 तक हो जाएगा. सो दैट इज द अनदर रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है. आज ही मैं आपको दो चीज ऐसी सिखाऊंगा कि वो अगर आप घर पे जाकर करोगे तो आपको उसका फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. राइट, फेसबुक. तो फेसबुक पर 24.10 करोड़ यूजर्स फेसबुक पर है. राइट, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि कितना पोटेंशियल है. हम सुबह में उठ के क्या करते हैं सबसे पहले? राइट, फेसबुक या व्हाट्सएप. राइट, किसने फेसबुक पर लेटेस्ट अपडेट की है और व्हाट्सएप ने किसका, राइट, व्हाट्सएप में किसने अपडेट की है वो ही देखते हैं. सो दैट इज, दैट हैज बिकम द पार्ट ऑफ अवर लाइफस्टाइल. राइट, सो दैट इज द अनदर रीजन कि आप, इसका फ्यूचर ब्राइट है और आप इजिली 15,000 रुपीज इजिली कमा सकते हो, बहुत ही इजिली कमा सकते हो. हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस, तो हमने वो देख लिया कि अगर आपको जॉब करनी है तो किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज है. लेकिन जिसको आगे जाके ये सीख के बिजनेस करना है तो उनके लिए कैसे अपॉर्चुनिटीज है. तो सबसे पहले आपके पास कुछ भी नहीं है और आप सिंपली, आपका एक लोकल बिजनेस है. राइट, आपको सपोज ब्यूटी पार्लर का शौक है या आपको और कोई भी चीज का शौक है जिसमें आप लोकली कोई चीज कर सकते हो, तो वो आप सिंपली आपका बिजनेस गूगल लोकल पर फ्री में सबमिट करवाकर कर सकते हो. राइट, और मैं ट्रेनिंग में आपको वो सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल लोकल में टॉप में आ सकते हो. राइट, जैसे यहां पर आप सर्च करोगे, राइट, कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद. राइट, वो ये कीवर्ड है, तो यहां पर आपको मेरी लिस्टिंग मिलेगी, यहां पर आपको मेरी लिस्टिंग मिलेगी. तो आपके सेगमेंट में आपको किस तरीके से आना है वहां पर, वो मैं आपको सिखाऊंगा. राइट, दूसरों को करने से पहले मैंने अपना खुद का किया है. राइट, कि भाई आपका खुद का ही नहीं है तो आप कैसे दूसरों को मदद कर सकते हो. राइट, क्लियर. यस, दैट इज व्हाई यू ऑल आर हियर. राइट, अगर आप SEO ट्रेनिंग इन अहमदाबाद से सर्च करोगे तो यू विल फाइंड माय रैंकिंग फर्स्ट. डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सोशल मीडिया ट्रेनिंग, PPC ट्रेनिंग, एनी ट्रेनिंग यू विल सर्च, यू विल फाइंड मी फर्स्ट. राइट, तो ये चीज है. तो वो कैसे लाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा इन द ट्रेनिंग आपके बिजनेस के लिए. राइट, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके बिजनेस के लिए तीन पैरामीटर ही उसमें कंसिडर करने होते हैं. एक है रिव्यूज और दूसरा दो मैं ट्रेनिंग में सिखाऊंगा. More the reviews, higher the probability that Google will put you on the top of the page. Right? लेकिन reviews में भी बहुत सारी चीज ध्यान में रखनी है. ऐसा नहीं है कि पांच भाई बंद है तो पांच को बोल दिया कि भी reviews डाल दो. Right? That will not work. क्योंकि Google अभी उसका algorithm बहुत ही smart हो गया है, तो उसको पता लग जाएगा कि एक ही दिन में पांच reviews, अभी कल तो business open किया है तो पांच reviews कैसे आ गए. Right? So that all things you have to take care when you optimize your thing. Number two is, आप simply आपका Facebook का page open कर सकते हो. राइट, अगर आप कोई हेल्थ के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हो, राइट, तो आप यहां से आपका पेज यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो. राइट, और उसमें फिर रेगुलर एक्टिविटीज करनी है आपको, रेगुलर एक्टिविटीज की भी, जो भी आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए काम की है. फॉर एग्जांपल, मैं हर रोज जो यहां पर सिखाता हूं वो एक पोस्ट 10 बंदे को जो भी ट्रेनिंग में आया है उसको टैग करके पोस्ट करता है, सिंपल. ताकि क्या होता है, वो वायरल हो जाता है. आपके फ्रेंड सपोज 5000 फ्रेंड्स है तो वो 5000 में से 50 या 100 को वो पोस्ट दिखेगी, क्योंकि यू आर टैग्ड इन दैट पोस्ट. समझ रहे हो? तो वो चीज आप आपके बिजनेस के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर आया फॉर एग्जांपल और आपको उसको आपकी सर्विस अच्छी लगी, तो यू कैन आस्क हिम अ फेवर कि भाई मैं आपकी एक फोटो सेल्फी लेकर आई कैन पुट इट ऑन माय फेसबुक पेज, जिससे आपकी जो रीच है, आपका जो ब्रांडिंग है वो होगा. इन वन लाइन, इट इज द ब्रांडिंग. राइट, ये यहां पर हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं. जैसे मैंने कल जो एक लेक्चर चलाया था डिजिटल मार्केटिंग का, गूगल एनालिटिक्स का, तो उसकी पोस्ट मैंने यहां पर रखी है. राइट, तो वो यहां से आप आपकी पोस्ट का भी इसी तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हो. राइट, लिंक्डइन पेज, अगर आपका B2C ऑडियंस है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, सो फेसबुक इज द राइट प्लेटफॉर्म. और अगर आपका B2B आपका टारगेटेड ऑडियंस है, सो लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म. राइट,
करेक्ट. अगर आपको वेब डिजाइन और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चाहिए तो यू विल नेवर गेट फ्रॉम द फेसबुक, राइट. बट इफ यू वुड लाइक टू गेट दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द लिंक्डइन, लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म, राइट. क्या खाया क्या पिया वो कभी लिंक्डइन पर शेयर नहीं कर सकते आप, राइट. वो फेसबुक पर ही कर सकते हो. क्लियर. अरे कुणाल भाई बंद कर देना. उसके बाद है कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई अच्छी डील है या कोई अच्छी प्रोडक्ट है तो आप उसको लिंक अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर भी सेल करने के लिए भेज सकते हो. तो उसमें भी आपको किस तरीके से टाइटल बनाना है. किसी भी प्रोडक्ट देखो तो उसका एक टाइटल रहता है, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके नीचे उसका इमेजेस रहती है, उसके नीचे उसके वीडियोस रहते हैं. तो किस तरीके से वो बनाना है आपको आपकी प्रोडक्ट के लिए, वो यहां से आप सीखोगे, राइट. और तुरंत ही अमेजोन पर रख के आप पूरे वर्ल्ड को यहां पर कैप्चर कर सकते हो. और इसमें आप रिवर्स मैकेनिज्म से आरओआई सेल करने से पहले कैलकुलेट कर सकते हो, राइट. कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोजेक्टर में बेच रहा हूं, सपोज वो प्रोजेक्टर की सेलिंग मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सपोज 10,000 रुपीस और सेलिंग प्राइस है सपोज 15,000 रुपीस. तो एक प्रोडक्ट अगर एक मेरा प्रोजेक्टर सेल होता है तो कितना प्रॉफिट होगा? 5,000 रुपीस, सिंपल, राइट. मुझे एक बात पता है फ्रॉम द पास्ट ट्रेंड या इंडस्ट्री बेंचमार्क कि 100 प्रोजेक्टर जब मैं सेल करता, सॉरी 100 विजिटर्स मेरे प्रोजेक्टर को देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 3 बंदे मेरे प्रोजेक्टर को परचेस करते हैं, राइट. ऑन एन एवरेज तो 100 विजिटर जब मेरी प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे या देखेंगे तो मेरी प्रॉफिट कितनी होगी? 15,000. वेरी सिंपल, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 15,000. तो एक क्लिक पर मुझे मैक्सिमम कितना मैं पे करूं तो मैं मेरा आरओआई कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा. 15,000 डिवाइडेड बाय 100, 15,000 को मुझे 100 पर इक्वली डिवाइड कर देना है तो 150 रुपीज से अगर अमेजोन मुझे कम चार्ज करता है तो जितना कम चार्ज करेगा उतना मेरा आरओआई हाई होगा. और ये चीज आप बेचने से पहले कैलकुलेट कर सकते हो. नॉर्मली दूसरे मीडियम में आपको सेल करने के बाद पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ये चीज में आप रखने से पहले यू कैन मेजर दैट वेदर अल्टीमेटली दिस विल गिव यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. क्लियर. आप 20,000 से 50,000 रुपए में आपकी एक बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और उसको टॉप में भी ला सकते हो, राइट. जैसे हमारा एक क्लाइंट है बटरकप, तो अगर आप यहां से सर्च करोगे कि ग्राफिक डिजाइन, वो ग्राफिक डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी अहमदाबाद, राइट. तो यहां से आपको मिलेगा buttercup.in. तो उसको दिन में अभी 2 लीड आ रही है ये कीवर्ड से. ये कीवर्ड से अहमदाबाद में 500 प्लस पीपल एक महीने में सर्च करते हैं ऑन एन एवरेज. तो उनको दिन में 2 लीड ये कीवर्ड पर वो लोग टॉप में आ गए तो उनको मिलती है. सो दैट इज द पोटेंशियल कि उन्होंने एक अच्छी वेबसाइट बना दी है डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ करके, वो अभी टॉप में आ गए हैं तो उनको दिन में 2 लीड यहां से मिलती है. सो दैट यू कैन डू फॉर योर बिजनेस एज वेल. जैसा मैंने लास्ट में अलग मलक में मैं था, अलग मलक इज अ वेल नोन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जहां पर मैंने 7 साल एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड काम किया है. तो आप कोई भी कीवर्ड से सर्च करो, वेब डिजाइन इंडिया, वेब डेवलपमेंट इंडिया, वेब डिजाइन कंपनी इंडिया, वो सारे कीवर्ड से आपको वो टॉप में मिलेगी. वेब डिजाइन इंडिया, ये कीवर्ड दुनिया का हार्डेस्ट कीवर्ड है टॉप में लाने के लिए. क्यों हार्डेस्ट है? क्योंकि क्योंकि सारी डिजिटल मार्केट, सारी वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी का इनहाउस स्टाफ इसमें लगा हुआ होता है. कोई भी वेब डिजाइन और डेवलपमेंट कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें एक या दो बंदे या उससे ज्यादा बंदे एसईओ में नहीं होंगे, कंफर्म होंगे. तो इस कितने रिजल्ट है? कम 10,00,000, 10,000,00,000, 10,00,00,000, 5 करोड़ प्लस में से वो पहले पर है, राइट. सो दैट इज द रीजन कि, और मैंने क्या किया है, मेरे 10 साल के करियर में मैंने सारी चीज जो भी मुझे अच्छी लगी है कि भी ये चीज से आपका रैंकिंग इंप्रूव हो सकता है, ये चीज से आपको फेसबुक में ज्यादा लीड मिल सकती है, ये चीज से आपको फेसबुक में ब्रांडिंग अच्छा हो सकता है, वो मैंने एक जगह पर स्टोर करके रख दी है, गूगल ड्राइव पर, गूगल स्प्रेडशीट पर, अगर आप किसी को पता हो तो, राइट. गूगल स्प्रेडशीट पर वो मैंने स्टोर करके रख दी है. वो मेरे 10 साल की मेहनत है यहां पर, और उसमें मैंने सभी सूत्र लिखे हुए हैं. जैसे पतंजलि ने अपने सूत्र लिखे हुए थे
वैसे ही मैंने यहाँ पर वो सूत्र लिखे हुए हैं कि भाई ये करोगे तो आपको कंफर्म रिजल्ट मिलेगा, कंफर्म रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने क्लाइंट को हेल्प किया है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई सपोज लोकल बिजनेस है, कीवर्ड रिसर्च है, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पर जो मैंने 10 साल में सीखा है, 10 साल में जो चीज ने मुझे रिजल्ट दिया है वो मैंने यहाँ पर रखी है। और इसका पूरा एक्सेस ट्रेनिंग लेते ही आपको मैं दे दूंगा, राइट, ताकि आप घर बैठे या जो भी आज मैंने सिखाया है वो घर पे जाकर आप खुद भी कर सकते, राइट। आप जब यहाँ पर आए थे तो वही चल रहा था, एक नेक्स्ट बैच थी, यहीं से ही वो पढ़ा रहे थे। तो ये सारी चीज मैंने सभी चीज के लिए की है, वेदर इट इज SEO, वेदर इट इज गूगल एनालिटिक्स, वेदर इट इज PPC और वेदर इट इज सोशल मीडिया। तो चार हर एक सेक्शन में, और ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, बिलीव मी सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। आप कहीं पर भी कितने भी अच्छा लेक्चर अटेंड करो, लेकिन घर जाने के बाद अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो ट्रेनिंग किसी भी काम की है, आप कितना भी अच्छा लेक्चर सुन लो कि भाई वेट कैसे कम करना है, लेकिन घर पे जाकर अगर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वो चीज को, तो वो वेट का 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का लेक्चर आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो वही चीज मुझको पता है कि यहाँ पर सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सुनने में क्या अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप घर पे जाकर उसको इंप्लीमेंट आपके काम के लिए कैसे कर सकते हो। तो वो चीज के लिए मैंने क्या किया है, सारी चीज स्टेप्स वाइज लिख दी है कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी चीज के लिए, वेदर इट इज SEO, वेदर इट इज गूगल एनालिटिक्स, वेदर इट इज PPC और एनीथिंग। और आप जैसे ही यहां पर ट्रेनिंग लोगे, जैसे ही हम 2 लेक्चर आपको फ्री में देंगे, तो आप खुद ही तय कर सकोगे कि भाई ये जो मटेरियल है ये किस लेवल का है और कितना काम का है। आपको कहीं पर कहीं से भी ये मटेरियल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि लोग नॉर्मली अपनी जो एक्सपर्टीज है वो वैसे शेयर नहीं करते। क्यों शेयर करें जी? बड़ी बात कही सर आपने, जो मटेरियल जो रखा है आपने, कभी कभी क्या होता है हम लास्ट का पत्ता उठा लेते हैं तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं, बीच से उठाते हैं तो कुछ समझ में आता है, सीरियल जो रहती है एग्जैक्टली, तो हमें पता चलता एक मैप हो जाता है आपके, जैसे हो जाता है और उसमें ग्राफ भी बनता रहता है बनता कि आज हम कहाँ हैं, क्या वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट। और एंड ऑफ द लेक्चर यू विल रिसीव द वीडियो। तो अगर आप कोई चीज पर वहां पर रुक गए कि भाई ये तो सिखाया था लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं लग रहा है कि कैसे हमने एग्जीक्यूट किया था, तो वो भी आप वीडियो को देखकर, सारे वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पर है, ये हमारे टॉपिक्स है, तो जो भी बैच में जो भी चलता है वो यहाँ पर हम यूट्यूब के वीडियो पर रख देते हैं। तो अगर आपने आज अटेंड किया है तो आप कल या परसों आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, कोई वो भी नहीं देता है कि भाई 1 साल दिया, 6 महीने दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर 2 साल का आपने किया तो फिर से कोर्स करना है, वैसा नहीं है। आप कहीं पर कहीं से भी ये कोर्स कहीं कर सकते हो। तो जितनी भी बैचेस है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और उसके अगेंस्ट यहाँ पर वीडियो लिखे हुए हैं, राइट, सो दैट विल बी अगेन हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो ये कोर्स खत्म करने के बाद आप में कौन कौन सी क्वालिटीज या कौन कौन सी एक्सपर्टीज क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहली एक्सपर्टीज वो क्रिएट होगी कि आप आपके खुद का बिजनेस या आपके क्लाइंट का बिजनेस को टॉप में कैसे लाना है गूगल पर, वो आपको पता लग जाएगा। जो ऑलरेडी SEO इंडस्ट्री में उसको पता है कि गूगल अपना अल्गोरिदम बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज करता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज करता है। तो आज किया वो हो सकता है कि कल उतना गूगल इफेक्टिवली कंसिडर ना करे। इसीलिए मैंने गूगल अपने एम्प्लॉय को 10 चीज सिखाता है। गूगल अपने जो भी गूगल कंपनी में रिक्रूट होता है उसको गूगल 10 थिंग सिखाता है कि ये चीज आपको जितने भी टाइम यहाँ पर जॉब करो वो आपको ध्यान में रखनी है। वो मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पर एक लेक्चर है हमारा गूगल फिलोसॉफी, इट इज कॉल्ड गूगल फिलोसॉफी। तो ये अगर 10 प्रिंसिपल्स आपने आपके काम में या आपके दिमाग में इम्बाइब कर लिए तो कभी भी गूगल का कोई भी अल्गोरिदम अपडेट में आप पीछे नहीं चलोगे। यही रीजन है कि अलग मलग 10 साल से टॉप पर है, यही रीजन है कि आपको SEO ट्रेनिंग या और जितने भी कीवर्ड्स है उससे मेरी वेबसाइट टॉप में दिखती है, वही रीजन है कि सारे जो मेरे क्लाइंट्स है उसको मैंने टॉप में लाया है। क्लियर, यही चीज को ध्यान में रखते हुए तो ये आप सीख जाओगे एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। उसके बाद है कि आप आपका खुद का पेड मार्केटिंग कर सकोगे, राइट।
अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे कि वेब डिजाइन कंपनी इंडिया या कोई भी बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया डेंटिस्ट इन अहमदाबाद, तो यहां से आपको यहां पर अभी तो नहीं मिली, लेकिन यहां ये जो एडी लिखा है ना, ये पेड एडवर्टाइजमेंट है और इसका पेपर क्लिक का मॉडल रहता है। व्हाट इज पेपर क्लिक? कि अगर मैंने यहां पर क्लिक किया सपोज, तो सपोज गूगल को एक अमाउंट प्री डिफाइन होती है, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक वो ये बंदे को गूगल को पे करने की रहती है। सपोज ये है 50 rupees, सो गूगल विल डेबिट 50 rupees फ्रॉम दिस पर्सन अकाउंट वेन एवर द पीपल और पर्सन विल क्लिक ऑन दिस एड। तो ये कैसे आरओआई इसमें लाना है कि जितना स्पेंड किया उससे ज्यादा बिजनेस कैसे जनरेट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। राइट, कैसे इसमें क्वालिटी स्कोर रहता है। जब भी आप गूगल पर सर्च करते हो तो एक ऑक्शन होता है, राइट, जैसे हम नॉर्मली कोई भी चीज बेचनी होती है, राइट, तो ऑक्शन होता है, उसी तरीके से इसमें नीलामी, तो उसी तरीके से इसमें भी ऑक्शन होता है। तो वो ऑक्शन में जिसका एड रैंक, क्वालिटी स्कोर एंड बीड, उसको मल्टीप्लाई करके वो एड रैंक बनाते हैं, उसका जो जिसका सबसे ज्यादा रहता है उसको टॉप में मिलता है। तो वो एड रैंक कैसे बढ़ाना है आपका, यानी क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ाना है, वो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। राइट, ओके, वेरी गुड। यू विल बी एनालाइज योर परफॉर्मेंस थ्रू गूगल एनालिटिक्स। सो गूगल एनालिटिक्स के जरिए आपके बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हो। किस तरीके का एनालिसिस, कि कौन से टाइम पर आपकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा विजिटर्स आपको लीड देते हैं, दिन में कौन से टाइम पर आपको सबसे ज्यादा लीड मिलती है। सपोज ये एक क्लाइंट है, ये मेरे सारे क्लाइंट्स है, सपोज मैं ट्रेनिंग इन एसईओ का आपको दिखाता हूं, राइट, तो यहां से अगर मुझे जानना है कि मुझे लास्ट 30 days में कहां से सबसे ज्यादा लीड मिली, कौन से टाइम पर, तो वो मैं ट्रैक कर सकता हूं। राइट, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि कौन से टाइम पर मुझे ये 9 है, 10 है, राइट, ये आ गया। तो मुझे यहां से क्लिक टू कॉल नहीं, ऑल गोल्स में कर देता हूं, तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि कौन से टाइम पर मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लास्ट 7 days का लिया है, अगर मैं लास्ट 30 days का यहां पर कर देता हूं, तो मुझे वो पता लग जाएगा कि कौन से टाइम पर मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है। कन्वर्जन रेट 25, यस, एडवर्ड भी इंटीग्रेटेड है, तो एडवर्ड का डेटा आपको यहां पर मिल सकता है। तो 25 कन्वर्जन रेट मुझे 10 बजे है, यानी 10 बजे जो बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट करता है पेड एडवर्टाइजमेंट से, उसकी लीड देने की या डेमो लेक्चर अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी रिमेनिंग टाइम से सबसे ज्यादा है, या 25%। 100 बंदे अगर वो टाइम पर क्लिक करते हैं तो 100 में से 25 लोग मुझे लीड देते हैं। तो मैं एक्शन आइटम कैसे ले सकता हूं ये इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके, मुझे मेरी बीड 10 बजे सबसे ज्यादा रखनी है, हाई करना, ताकि मेरी एड 10 बजे तो कॉम्पिटिटर से हमेशा ऊपर ही दिखनी चाहिए, क्योंकि आरओआई मुझे पता है मिलने ही वाला है, ROI मिलने ही वाला है, considering the fact that the conversion rate is 25%, clear? तो वो कैसे, ये तो एक report था, एक report है, ऐसे more than 70 reports है Google Analytics के, वो कैसे use करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद है, email marketing कैसे करना है, probably आप सब लोगों को जैसे ही registration करा है, एक email आते होंगे आपको, series of emails, right? तो that is the part of lead nurturing, it is the process of lead nurturing, कि भाई जो lead है, उसको nurture कैसे करना है? कि एक उन्होंने लीड तो दे दी, लेकिन उसको डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, उसके लिए कन्विंस करना है और उसको स्टेटिस्टिक्स दिखाना है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लीड नर्चरिंग, राइट। स्टीवन कोलिन करके एक बंदे ने बुक लिखी है, सेलिंग टू विन, उसने बताया है कि अगर किसी ने आपको आज किसी भी काम के लिए ना बुला है, तो इट इज नो फॉर टूडे नॉट फॉर एवर, यानी उसने ना आज के दिन बुलाए, सभी पूरे लाइफ टाइम नहीं बुलाए। जैसे ये सुधीर भाई है, उन्होंने 1.5 साल पहले मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, 1.5 साल पहले, लेकिन मैंने उनको फॉलो अप करना कंटिन्यू रखा है आज दिन तक।
तो हो सकता है कि आज वो मेरी ट्रेनिंग ले लें, राइट? तो दैट इज द रीजन कि और डिजिटल मार्केटिंग में आप उसका ऑटोमेशन कर सकते हो कि भाई मैंने एक सेट कर दिया है कि भाई ये 5000 ईमेल को एवरी वीक एक ईमेल जाना चाहिए, तो मैं उसके बाद उसको एनालाइज कर सकता हूं कि 5000 लोगों में से कितने लोगों ने ईमेल ओपन किया, कितने लोगों ने लिंक पर क्लिक की, कितने लोगों ने मुझे डेमो लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट भेजी, वो सारा एनालिसिस मैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स कर सकता हूं, ताकि मुझे वो पता हो कि अगर 5000 ईमेल में से मुझे एवरी मंथ दो लीड मिलती है डेमो लेक्चर के लिए, तो अगर मैं 20,000 कर दूंगा तो वो अप्रोक्सीमेटली 4 times. क्लियर? सो दैट ऑल यू विल बी एबल टू लर्न विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग. उसके बाद एसएमएस मार्केटिंग का, आप सभी लोगों को एसएमएस भी आज आया होगा, सो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट कि भाई वो बेसिकली यूजर को एंगेज रखता है कि भाई आप वो करना है, वो करना है, वो करना है, राइट? इट इज लाइक दैट. सर्टिफिकेशन, सो जैसे सब लोगों को पता है कि अगर आपको जॉब करनी है तो यू नीड सम क्रेडेंशियल्स, कैसे सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, राइट? सो सर्टिफिकेशन विल हेल्प यू टू क्रिएट योर क्रेडिबिलिटी. सो ये इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है गूगल एडवर्ड्स एंड गूगल एनालिटिक्स. ये सर्टिफिकेट ऑफकोर्स आपको मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिकलिटी है. अगर आपको सर्टिफिकेट से कोई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा लेकिन आपको प्रैक्टिकल पता नहीं है तो दे विल नेवर हायर यू, राइट? तो सर्टिफिकेशन कितने भी हो आपके पास, एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट नीड द प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. इसीलिए हम लोग यहां पर प्रैक्टिकल पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ही ज्यादा जोर रखते हैं कि आज आपने आपको जो एक्सरसाइज दी वो अगर आपने कमिंग लेक्चर में नहीं की तो यू हैव टू पे 50 rupees एज अ फाइन, राइट? और हमारा रिकॉर्ड है कि 100 rupees से किसी के ज्यादा नहीं आते हैं, यानी 50% तो 50% वो एक्सरसाइज करना चालू कर देता है, राइट? और लास्ट में हम लोग उसके पिज्जा पार्टी करते हैं, राइट? हमको नहीं चाहिए वो पैसा, लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि आप सभी लोग एक्सरसाइज करो. उसके बाद है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि भाई किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए. सैलरी ग्रोथ, सो सैलरी ग्रोथ में आप ये बोल सकते हो कि भाई आप 5 साल में, राइट? आप विद इन, ये मैंने बहुत ही कम लिखा है, लेकिन अप टू विद इन 10 years यू कैन रीच टू मोर देन 1 lakh rupees, क्योंकि ये 2 साल पहले बनाया था तो ये अभी कम है, राइट? लेकिन अगर आपको ये चीज में इंटरेस्ट है और अगर आप नया लर्निंग एवरीडे कर रहे हो तो आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग में 5 या 6 साल में मिनिमम 50,000 तक पहुंच सकते हो, राइट? मुझे 3 साल पहले अहमदाबाद के शाही बाग में ब्लर पॉइंट करके कंपनी है, राइट? जो भी एसईओ इंडस्ट्री में उसको पता होगा, उसने मुझे 3 साल पहले 1.5 लाख रुपीस की ऑफर की थी, 3 साल पहले. लेकिन ट्रेनिंग वॉज माई पैशन और आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप, सो दैट इज वाई आई हैव लेफ्ट दैट जॉब और मैंने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं की, राइट? सो दैट इज द पोटेंशियल कि अगर आपको ये चीज में इंटरेस्ट है और अगर आप कंटिन्यूसली इसमें फोकस करते हो, और ये तो मिनिमम है, अगर मैंने 5 साल पहले अपना खुद का किया होता तो मैं यहां से भी आगे होता, राइट? सो दैट इज द थिंग. ये पे स्केल है. पे स्केल अगर किसी को पता है कि आपको ये जानना है कि आपके सेगमेंट में ऑन एन एवरेज सैलरी क्या चल रही है, तो वो यहां से आप इजीली ढूंढ सकते हो, राइट? और द गुड न्यूज इज दैट कि ये डिजिटल मार्केटिंग की, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये डिमांड है, यहां से ज्यादा बाहर डिमांड है, राइट? अगर मैं यहां पर सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहां से आपको मिल जाएगी 78,117. ये मीडियन है, यानी आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन रीच टू दिस, यानी 1 महीने का मोर देन 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हुआ, विच इज वेरी गुड. वहां पर 2,000 से ज्यादा कभी भी कॉस्ट नहीं होती आपकी लिविंग कॉस्ट, तो 3,000 आप इजीली सेव कर सकते हो. सो दैट इज दी अनदर रीजन कि अगर आपको पास ये एक्सपर्टीज है तो आप दुनिया के किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाकर आपका जॉब कर सकते हो आप, राइट? और ये आप अमेरिका के लिए भी, यूएसए के लिए भी देख सकते हो, यूके के लिए भी देख सकते हो, या किसी भी
कंट्रीज के लिए देख सकते हो, सभी जगह पर डिजिटल मार्केटिंग की आज के दिन में और नेक्स्ट 10 ईयर्स में डिमांड बहुत ही रहने वाली है, क्योंकि लोग अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल एंड कंप्यूटर पर स्पेंड कर रहे हैं। सिंपल चिराग, व्हाट द पे स्केल फॉर फ्रेशर इन अहमदाबाद? 10 to 15,000. यू कैन इजीली चर्न 10 to 15,000, इजीली चर्न, राइट? इजीली, राइट? व्हाई यू नीड ट्रेनिंग? आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, राइट? वेरी सिंपल। सो जो भी यहाँ पर दो चार बंदे ऐसे भी है जो ऑलरेडी ये फील्ड में है और तीन चार साल से वो फील्ड में है और यहाँ पर डेमो लेक्चर अटेंड करने के लिए आए, क्यों आए हैं? क्या आया छो भाई तुम्हें यहाँ डेमो लेक्चर अटेंड करवा? यस, कोई कंपनी सिखवा रहा है बराबर? मैं तो 3 वर्ष कीधा है, 5 वर्ष से ऊपर जा लाइन में, કોઈ શીખવાડતું નથી, કેમ નથી શીખવાડતું? ટુ સાયકોલોજિકલ રીઝન, કંપની કો યે ડર લગતા હૈ કે અગર સિખાયેંગે તો દૂસરી કંપની મેં જમ મારકર ચલા જાયે, ઓર આપકે સીનિયર કો યે ડર લગતા હૈ કે અગર મેં સિખાઉંગા તો યે મેરે સે આગે નિકલ જાયેગા, રાઈટ? તો યે દો સિમ્પલ રીઝન હૈ કે નોર્મલી કોઈ સિખાતા નહીં હૈ, અગર આપ એક્સ્ટ્રા સ્માર્ટ હો। मैं वही तो बोला कि जंप ना मार दे, जंप ना मारे उसका मतलब क्या है? नहीं, सिखाना तो चाहिए ही चाहिए। मैंने अपने करियर में कभी भी ऐसा नहीं रखा कि मेरे नीचे, क्योंकि मैं इस तरीके से उसको सोचता था कि अगर मैं दो चीज नीचे वाले बंदे को सिखाऊंगा तो मैं दो नई चीज कर पाऊंगा, अगर मैंने उसको ही नहीं सिखाई तो मैं 5 साल तक वही काम करता रहूंगा। और दो चीज लॉन्ग टाइम पर याद रहेगी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक लर्निंग पिरामिड है, राइट? जैसे उन्होंने बोला, मैं आपको दिखाता हूं, जिसके बेस पर हम लोग यहां पर ट्रेनिंग देते हैं, यह लर्निंग पिरामिड है, राइट? तो ये क्या है बेसिकली लर्निंग पिरामिड? ये क्या बताता है कि अगर आप सिर्फ यहां पर सुनते हो तो आपको सिर्फ 5% का गेन यहां से करके जाते हो, ओनली 5%। अगर यहां पर टू वे कन्वर्जेशन में रहते हो तो वो लर्निंग हो जाती है आपका 50%। और अगर आपने वो चीज घर पे जाकर की, यानी अगर आज घर पे जाकर किसी ने भी लोकल लिस्टिंग किया तो आई बिलीव कि वो 5 साल तक वो बंदा वो चीज नहीं भूलेगा कि लोकल लिस्टिंग गूगल पे कैसे करनी है। और अगर दूसरों को आपने सिखाई जैसे इन्होंने बताया तो वो रीच हो जाती है आपकी 90%, जो आप कभी नहीं भूलते। Right? Clear? So that is the philosophy. Right? So most companies कोई भी सिखाती नहीं है आपको। Number two, कि आपको 2 से 4 महीने में मैंने जो 10 साल में सिखा है या 10 साल में मैंने जो भी सूत्र बनाया है वो आपको 2 से 4 महीने में आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। Whether it is Facebook, whether it is Google, whether it is LinkedIn or whether it is एनालिटिक्स, तो वो पूरा आपको 4 महीने में पूरा पता लग जाएगा। एंड नॉट ओनली आपको पता होगा अच्छी अच्छी चीज, आपने आपके पास वीडियो भी होगा और आपके पास प्रोसेस भी, जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है और कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है, राइट? कि मटेरियल ऐसा मटेरियल नहीं कि जिसमें ऐसे लिखा हो, मटेरियल ऐसा कि जो प्रैक्टिकली आप प्रूवन हो और प्रैक्टिकली उस पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और ये प्रोसेस हम लोग एवरी डे ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कल ही गूगल ने एक न्यूज लिखा है SEM रश में या सर्च इंजन जनरल में कि अभी गूगल ने डिस्क्रिप्शन की साइज बढ़ा दी, पहले 160 कैरेक्टर्स थी, अभी वो प्रोबेबली 260 कैरेक्टर्स की कर दी है, तो वो हम लोग इसमें तुरंत ही चेंज कर देंगे, ताकि जब आप इसके ऊपर काम करो या इसको बेस बनाकर आप खुद की स्ट्रेटेजी डिफाइन करो तो आपके पास हमेशा लेटेस्ट एंड ऑप्टिमाइज थिंग ही। क्लियर? सो ये है, राइट? आप खुद का भी बिजनेस ये ट्रेनिंग लेकर प्रमोट कर सकते हो। व्हाई क्लासरूम ट्रेनिंग? सो क्लासरूम ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा व्हाई क्लासरूम ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट कंपेयर टू ऑनलाइन ट्रेनिंग? क्लासरूम में सर डेप्थ भी होता है, टीचर हमको सिखाते हैं और हम आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। वेरी गुड, सो डिस्कशन, हर एक
स्टूडेंट का अपना एक थिंक होती है Excellent. जो हमें एक दूसरे से डिवाइड करती है Excellent. और उन सबके ट्रेनिंग में मिलकर एक नया एक चीज सीखने को मिलती है Excellent. Perfect. जो हम अपने आप खुद से नहीं सीख सकते सो द थिंग इज दैट कि अगर मैं आपको सभी लोगों को पूछूं कि आपको आपके कॉलेज का कौन सा दिन याद है तो जब आपने कोई भी कांड किया होगा वही दिन आपको याद होगा क्या क्यों ऐसा है क्योंकि जितनी ज्यादा सेंसेस कोई चीज में आपकी लगी होती है उतनी आपकी मेमोरी में वो ज्यादा दिख जाती है राइट तो अगर आप यहाँ पर सुनते हो देखते हो ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हो एंड ऑफ द लेक्चर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो लर्निंग है वो ऑनलाइन से कई गुना ज्यादा हो जाएगी आप सिंपल सोचो कि यही ट्रेनिंग या यही लेक्चर आप फेसबुक पर घर पे बैठकर देख रहे होते तो इतना कंसंट्रेशन होता आपका कभी भी नहीं होता राइट और आज तो संडे का दिन है तो बहुत सारे और बोरिंग भी हो जाता है आज तो संडे है तो बहुत सारी और भी चीज हमारे पास रहती है करने के लिए राइट सो दैट इज द रीजन सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन के क्लासरूम ट्रेनिंग इज नॉर्मली मोर इफेक्टिव अगर आपको ऑलरेडी आप डिजिटल मार्केट किसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग काम की है ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है अगर आप ऑलरेडी किसी चीज में एक्सपर्ट हो राइट अगर मैं ऑलरेडी अच्छा सपोज मुझे कुकिंग का शौक है और मैं उंधिया अच्छा बना सकता हूँ लेकिन उंधिया में दो नई वैरायटी आई है तो वो मैं वीडियो से सीख सकता हूँ लेकिन पूरा कुकिंग करना है तो वो वीडियो से मैं नहीं सीख सकता यानी आज आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया और कल जाके आपको दो नई चीज वीडियो से सीखनी है तो वो कर सकते हो क्योंकि इट इज दी एड ऑन ऑफ व्हाट यू हैव लर्न यू ऑलरेडी हैव लर्न राइट उसके बाद है कि भाई आपको यहां से क्यों ट्रेनिंग लेनी चाहिए तो मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दी कि ट्रेनिंग इज माय पैशन राइट वरना टू बी वेरी फ्रैंक मैं ट्रेनिंग दे बगैर भी बहुत ही अच्छी तरीके से पैसे बना सकता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से राइट बट मुझे अच्छा लगता है सामने वाले में वैल्यू एडिशन करना राइट जैसे मैंने बोला कि अगर कोई कंपनी मुझे 1.5 लाख रुपए दे सकती है तो मेरे पास ऐसे 10 क्लाइंट है यहाँ के नहीं बाहर के भी है यहाँ के भी है जो मुझे बहुत अच्छे रुपीज दे सकते हैं लेकिन मैं दिन के 2 घंटे सामने वाले में वैल्यू एडिशन करने के लिए स्पेंड करता हूँ राइट सामने वाले में वैल्यू एडिशन दिन के 2 घंटे नॉट मोर देन दैट करेक्ट सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि मुझे मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ और कोई रीजन नहीं है दैट इज द नंबर 1 रीजन उसके बाद मैं गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स सर्टिफाइड हूँ राइट आप यहाँ पर अगर जाओगे तो आपको मेरा सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिलेगा ये गूगल की वेबसाइट पर है तो मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ है तो आपको यहां से मिल जाएगा ये मेरा 2 सर्टिफिकेट्स है यहां से जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग ली है उन्होंने ऑन एन एवरेज 4.9 रेटिंग से मुझे रेटिंग दी है जैसे आप लोगों ने बताया कि इसीलिए आप यहां पर हो तो यहां से ऑन एन एवरेज 4.9 रेटिंग और ये सभी लोगों में से किसी को भी आप फोन करके पूछ सकते हो कि भी हाउ यू फाइंड द ट्रेनिंग क्योंकि किसी भी चीज का ऑनेस्ट रिव्यू कौन दे सकता है किसी भी रेस्टोरेंट में आप खाने के लिए गए तो उसका ऑनेस्ट रेस्टोरेंट कौन दे सकता है कि जिन्होंने यहाँ पर खाया है तो यहाँ का ऑनेस्ट कौन दे सकता है कि जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है राइट तो जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली है उनको अच्छी जॉब मिली है या उनको अपने बिजनेस में बहुत ही फायदा हुआ है जैसे नैरोटो कंपनी है नैरोटो बटवा में बहुत बड़ी कंपनी है उनके सेल्स टीम ने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी LD इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अपना लेक्चर दिया था 31 मार्च 2017 को GLS में मैंने लेक्चर दिया था और कमिंग वीक में मैं माइका में जाने वाला हूँ राइट माइका आप लोगों को पता होगा राइट बिगेस्ट कम्युनिकेशन यस राइट तो वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ सो दैट इज द बिगेस्ट कि भाई मुझे अच्छा लगता है सामने वाले में वैल्यू एडिशन करना और ऐसा नहीं हो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट में से भी मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिलती है राइट कि भाई एक नए आइडिया से मुझे वो दिमाग में मैंने नहीं रहता है लेकिन उनके दिमाग में वो आ गया होता है राइट सो दैट इज द रीजन कि आपको यहाँ से ट्रेनिंग आप ले सकते हो मेरे 100+ प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं जो आपको यहाँ से मिलेगा राइट तो ये मेरे सारे प्लेसमेंट पार्टनर यानी यहाँ पर अगर उनको जरूरत रहती है तो वो लोग हमें कॉल करके दे आस्क टू हायर द कैंडिडेट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट और हमारा जो फेसबुक पेज है यहाँ पर जो फेसबुक पेज है हमारा वहां पर हम लोग ये पोस्ट कर देते हैं कि भाई किसी भी कंपनी में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली पोस्ट कर देते हैं नीचे आपको मिलेगी राइट तो यहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ SEO एग्जीक्यूटिव ये December 14 को हमने पोस्ट की थी राइट तो किसी भी कंपनी में अगर ये पेज को आप लाइक कर दोगे तो किसी भी कंपनी में अगर कोई भी SEO की रिक्वायरमेंट है तो लाइफ टाइम आपको यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और अभी
आपको इसकी जरूरत भी नहीं होगी। अगर आपने किसी कंसल्टेंसी में आपका नंबर मिल गया है तो सामने से कॉल आएगा, इतनी डिमांड है अभी, तो इसकी जरूरत भी नहीं होगी। कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, तो कोर्स का ड्यूरेशन है, अगर आप हफ्ते में 4 दिन करते हो तो कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने है, और अगर आप हफ्ते में 2 दिन करते हो तो कोर्स का ड्यूरेशन है 4 to 5 months, राइट। और जिसकी फीस है सिर्फ 19,000 रुपीज, जो पहले 30,000 थी, राइट, वो अभी हमने कम करके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको, ये ट्रेनिंग का फायदा ले सके, राइट। और आपको 2 इंस्टॉलमेंट में ये पे करनी है 10,000 and 9,000, राइट। 2 लेक्चर अटेंड करके आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी है। सिर्फ SEO ट्रेनिंग लेनी है तो 10,000 का आपको पे करना रहता है, PPC सीखना है तो 8,000 आपको पे करना रहता है, और गूगल एनालिटिक्स सिर्फ सीखना है तो आपको अगेन 7,000। सिर्फ सोशल मीडिया सीखना है और गूगल एनालिटिक्स सीखना है तो सिर्फ 7,000 स्पेंड करके आप सीख सकते हो। अभी आपने नॉर्मली अहमदाबादी गणतरी बहु करी है, राइट। सो कैसे आपको ROI मिलेगा इसमें, राइट। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप जैसे ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, और एक सिनारियो है कि सपोज आपको 12,000 रुपीज की जॉब मिलती है, अज्यूम करो कि आपको 12,000 रुपीज की जॉब, ये ट्रेनिंग में 15,000, लेकिन मैंने मिनिमम अमाउंट लिखी है, 12,000 की जॉब मिलती है। सपोज आप ये ट्रेनिंग ले बगैर स्टार्ट करते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो 6,000 रुपीज की आपको जॉब नॉर्मली मिल जाएगी, लेकिन 2 साल तक आपको डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले नॉर्मली लोग SEO में, जैसे वो भाई 5 साल वाला एक्सपीरियंस ने बताया कि भाई कोई सिखाता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, डेटा एंट्री करवाता है, और 2 साल बाद खुद ही ये फील्ड छोड़कर चले जाओगे कि भाई डेटा एंट्री अभी ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। आपको पहले तो अच्छा काम मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सैलरी पे करते तो डेटा एंट्री उसको परवड़ेगा नहीं, राइट, कि भाई वो सिर्फ डेटा एंट्री करेगा तो मुझे ROI वो कैंडिडेट में से नहीं मिलेगा। तो दैट इज नंबर 1 कि 12,000 मिलेगा, तो 1 महीने का 6,000 का डिफरेंस हुआ, यस और नो, तो 12 महीने का 72,000 का डिफरेंस हुआ, तो आप 19,000 पे करके 72,000 एक साल में कौन रिटर्न देता है बताओ, राइट, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, 19,000 पे करके 72,000 का प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राइट। हाउ एक्सपीरियंस पर्सन कैन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर ट्रेनिंग, तो ये 3 लोगों के लिए हमने ट्रेनिंग बनाई है। सबसे पहले जो एकदम नया है ये फील्ड में, नंबर 2 जो ऑलरेडी ये फील्ड में है और इंक्रीमेंट करना चाहता है, और तीसरे वो लोग जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया केस स्टडी के माध्यम से। दूसरा है केस कि अंकित करके एक बंदा था जिसने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, उसको PPC के बारे में पता नहीं था, राइट, पेपर क्लिक, तो उसने, उस वक्त मेरी 15,000 फी थी, अभी मैंने 7,000 या 10,000 कर दिए, तो सैलरी बिफोर ट्रेनिंग उसकी थी 15,000 रुपीज, और ट्रेनिंग के बाद उसकी सैलरी हो गई 20,000 रुपीज, राइट, क्योंकि PPC भी जानने वाले बंदे कम है, और PPC में सबसे चैलेंजिंग फैक्टर क्या है कि एवरी क्लिक सम अमाउंट विल गेट डेबिटेड फ्रॉम योर क्लाइंट्स अकाउंट, तो वो कभी रिस्क नहीं लेता कि भाई फ्रेशर को टेस्ट कभी भी नहीं करता, वो एक्सपीरियंस वाले को ही प्रीफर करता है। SEO में ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्लिक करेगा तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन PPC में ऐसा रहता है, तो कभी भी आपको उस पर कभी भी, तभी PPC पर काम करी कोई दिवस नहीं करी, आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज नॉट इवन वर्क ऑन द PPC कैंपेन। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि भाई कोई करने नहीं देता है। तो इसने यहाँ से ट्रेनिंग ली और जो भी सूत्र मैंने बनाए थे वो सीख लिए, और तुरंत ही उसको दूसरी जगह पर जॉब मिल गई 20,000 की, यानी मंथली डिफरेंस कितना हुआ 3,000 रुपीज, यानी वर्ष का 12 × 3,000 दैट इज 36,000, और उसको ROI मिल गया 500%+ का, राइट, क्लियर। हाउ बिजनेसमैन, सो अनिल एस्ट्रोलॉजर करके एक बंदे ने यहां से ट्रेनिंग ली थी, जिनकी वेबसाइट भी है anilastrologer.com, यहां से आप ढूंढ सकते हो। हाँ, सभी का, जिसको भी इंटरेस्ट है वो सभी का फ्यूचर बनाते हैं। इन नटशेल आपको 3 चीज चाहिए, जो अगर किसी को भी इसमें प्रोग्रेस करना है ना, तो सबसे पहले आपकी विलिंगनेस, सीखने की इच्छा, नंबर 2 योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी,
इंग्लिश नॉर्मली इसमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, बोलोगे नहीं तो चलेगा शुरू में। एंड नंबर थ्री इज योर एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एनालिटिक्स में जो भी डेटा प्रोड्यूस होंगे, बहुत बड़ा एनालिटिकल माइंड नहीं चाहिए लेकिन बेसिक एनालिटिकल माइंड चाहिए कि अगर 10 बजे ज्यादा लीड आती है तो उस पर हमको ज्यादा स्पेंड करने चाहिए। वो उस लेवल का होगा तो चलेगा, लेकिन उतनी एनालिटिकल स्किल चाहिए। ये तीन अगर होगा तो स्काई इज द लिमिट है। तो ये बिफोर ट्रेनिंग अनिल एस्ट्रोलॉजर 10 लीड जनरेट करता था, राइट, और आफ्टर ट्रेनिंग उसने 100 जनरेट करना स्टार्ट कर दिया 2 ही महीने में। ऐसी तीन चीज मैंने उसको बताई तो 2 ही महीने में 10 से 100 हो गया। उसमें से एक चीज मैं आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने उसको बोला कि कोई भी चीज में अगर आपको किसी को भी कन्विंस करना है, ये यूनिवर्सल है, तो सबसे पहले कुछ फ्री देना पड़ेगा, राइट, फ्री डेमो लेक्चर, राइट, रिक्वेस्ट फ्री एडवाइस, रिक्वेस्ट फ्री कंसल्टेशन, राइट। जियो भी सबसे पहले क्या लाया था, ओला सबसे पहले क्या लाया था, रिक्शे के भाड़े में हमको ले जाता था या फ्री में, फर्स्ट राइड तो वो फ्री ही रहता था, उबर भी वो ही रहता था, राइट। तो क्या है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहती है, सबसे पहले सामने वाले को उसका टेस्ट कराओ, टेस्ट करने के बाद वो अपने आप आपके पास आने ही वाला है, राइट। तो यही स्ट्रेटजी है कि भाई जियो सिम कार्ड मैंने बोला ना, जियो सिम कार्ड। तो यही चीज मैंने उसको बोली कि भाई आप एक फॉर्म बना दो और वो हाईली विजिबल होना चाहिए ऑन द वेबसाइट, इट शुड बी हाईली विजिबल, राइट। और वो मैंने हर एक पेज पर रखवा दी है, रिक्वेस्ट फ्री एडवाइस फॉर एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉल, राइट। तो 10 से सीधा और कई सारी चीज की थी, लेकिन ये इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इससे इसकी 10 से सीधी 100 पर पहुंच गई। आप मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस में कर सकते हो, सर्विस सेक्टर में तो कर ही सकते हो, प्रोडक्ट सेक्टर में शायद नहीं कर सकते कि भाई अगर आप किसी का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसमें क्या फ्री प्रोवाइड करोगे, राइट। तो उसमें आपकी यूएसपी बहुत काम आएगी कि 10,000 प्लस पीपल हैव ट्रस्टेड ऑन अस, आपके जो पास्ट है उसकी रिव्यूज कैसे है, आप पैकिंग कैसे करते हो उसका वीडियो आप बनाओ, कि जब भी आप पैकिंग करते हो नॉर्मली क्या रहता है, दो चीज दिमाग में रहती है कि मेरा सामान सही सलामत वहां पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो आप किस तरीके से किस लेवल का पैकिंग करते हो, किसने आपने आपके ट्रेन बंदे हैं जो उसको रख के ट्रक में रखते हैं, और वहां पर कैसे आप, दो चीज रहती है, एक तो सही सलामत पहुंचना चाहिए और मुझे बहुत काम ना करना पड़े, ये दो प्राइम दिमाग में रहता है, तो वो उसका वीडियो आप बनाकर हाईलाइट कर सकते हो आप किसी भी बिजनेस में। इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट, कि ट्रस्ट कैसे गेन करना है ऑनलाइन यूजर के लिए, राइट। सो ये है, तो इसने 33,000 रुपीज का गेन कर लिया था 30% प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, राइट। सो दैट इज द थिंग, ये पूरा मैंने लिखा है कि भाई 100 लीड मिलती थी, 20% लीड कन्वर्जन रेट था, यानी 100 में से 100 लोगों तो उनकी सर्विस लेंगे नहीं, 20 लोगों ने उनकी सर्विस ली थी, और एवरेज लीड वैल्यू 5,000 रुपीज थी, तो 1,00,000 रुपीज का उनको प्रॉफिट हुआ, और सॉरी 30% प्रॉफिट मार्जिन था, तो 33,000 का उनको एक ही महीने में प्रॉफिट हो गया था, राइट। तो यहां तक जो पूरा है वो है किस तरीके से ट्रेनिंग आपको काम में आएगी। अभी यहां से हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से मैं कौन कौन सी चीज आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग, राइट। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, राइट, 5-10 मिनट का, राइट। ना वर्क वीक डेज में भी है और वर्किंग डेज में वीकेंड में भी है। ओनली संडे है अभी, अभी ओनली संडे है, 3-4 आवर्स, 3-4 आवर्स है। इसमें 1 घंटे प्रोबेबली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 3 घंटे यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। 4 मंथ। कौन कौन सी चीज ट्रेनिंग में आपको मैं सिखाऊंगा, सो जैसे मैंने बताया 3 फ्री लेक्चर्स है कोर्स मेथोडोलॉजी में, तो आपको 1 रुपए का भी रिस्क नहीं है ये ट्रेनिंग लेने में, राइट। आफ्टर 3 लेक्चर इफ यू फाइंड दैट यू डोंट लाइक द ट्रेनिंग एंड इफ यू डोंट फाइंड दैट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग, यू कैन मेक योर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। क्लासरूम ट्रेनिंग है हमारी पूरी, तो आप क्लासरूम में आपको यहाँ पर हम लोग ऐसे ही प्रोजेक्टर पर सिखाएंगे और आपको वो प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है और पार्शियल प्रैक्टिस आपको घर पे जाके करनी है,
रीडिंग मटेरियल. सो जैसे मैंने आपको स्प्रेडशीट बताई, वो पूरी स्प्रेडशीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और वीडियो भी आपको मिलेगा, तो आप उसका इस्तेमाल करके काम कर सकते हो. एंड हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट. सो अगर आपके पास आपके खुद के प्रोजेक्ट्स है तो आप उस पर काम कर सकते हो. जैसे इनके पास पीपीसी का प्रोजेक्ट है, राइट, और आपके पास अगर और किसी के पास कोई प्रोजेक्ट है तो उस पर वो काम कर सकता है. हम उसमें आपको हेल्प करेंगे जो भी चीज सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंगली. और अगर आपके पास नहीं है तो हम आप लोगों को दो वेबसाइट देंगे, राइट, हमारे क्लाइंट की, तो आपको लाइव एक्सपोजर मिले और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आए कि भाई ये चीज को मैं यहाँ से यहाँ तक ले जा सकता हूँ, इतनी लीड में ये क्लाइंट को दे सकता हूँ, राइट. सो दैट कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाइंट का बिजनेस मॉडल कैसे अंडरस्टैंड करना है. यानी आपके पास किसी ने भी डिजिटल मार्केटिंग की इंक्वायरी भेजी कि भाई आई वुड लाइक टू डू अ डिजिटल मार्केटिंग, देन व्हाट आर द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू योर क्लाइंट, राइट, कि आपको क्लाइंट को कौन कौन सी चीज पूछनी है और वो चीज पूछकर कैसे आपको प्रपोजल बनाना है और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है. तो वो मैं आपको पहले लेक्चर में सिखाने वाला हूँ. उसके बाद है डोमेन नेम कैसे चूज करना है, राइट. सो किस डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादातर मार्केटिंग आप अगर वेबसाइट से करते हो तो उसमें डोमेन नेम ऑल्सो प्ले अ रोल. और होस्टिंग कैसे सिलेक्ट करना है, राइट, क्योंकि वो भी मायने रखता है कि आपको रैंकिंग में गूगल किस तरीके से ट्रीट करेगा. यानी वर्डप्रेस इज अ CRM, CMS, सॉरी, इट इज नॉट, इट हैज नथिंग टू डू विद द होस्टिंग एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द डोमेन नेम. WordPress is a CMS, तो वो तो एक सिस्टम है जो आप जहां पर होस्ट की होगी वहां से आपको एग्जीक्यूट करके देगा. WordPress का खुद का होस्टिंग नहीं रहता है और मुझे पता नहीं वो देते होंगे तो मुझे पता नहीं है, राइट. तो दैट इज द थिंग. और किस तरीके से होस्टिंग लेना है और किस तरीके से डोमेन नेम चूज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा. उसके बाद है जैसे मैंने बताया कि गूगल अपने बंदों को या जो भी वहां पर रिक्रूट करता है तो उसको कौन कौन सी चीज सिखाता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा ताकि गूगल के कोई भी चेंजेस से आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन ना हो, हमेशा अप ही हो, राइट. उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च. सो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, राइट. जैसे ये कीवर्ड रिसर्च का टूल है और ये कीवर्ड रिसर्च इज अ फंडामेंटल थिंग इन SEO. अगर आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छी तरीके से आता है तो आप ये चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे. एंड द गुड न्यूज इज दैट कि लास्ट मंथ में हमने एक मैक्रो बनाया है, राइट, एक्सेल में एक मैक्रो रहता है. तो हमने ये किया है कि जो काम हम पहले 3 घंटे में करते थे वो अभी आप 1 घंटे में कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सेल स्प्रेडशीट, राइट. वो हमने किया है, वो भी मैं आपको उसकी एक दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो उसका इस्तेमाल करके. सपोज यहाँ पर मुझे ये जानना है कि डेंटिस्ट की कितनी डिमांड है, राइट. सो सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ डेंटिस्ट इन अहमदाबाद, यहाँ पर अहमदाबाद इज माय टारगेटेड लोकेशन एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी परफेक्ट, इज परफेक्ट. सो डेंटिस्ट इन अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 880 people are searching on an average for this keyword in Ahmedabad, right? तो यहाँ से आप पूरा ये निकाल सकते हो कि भाई किस किस टाइप के लोग सर्च करते हैं, उसको एड ग्रुप में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, राइट. ये एड ग्रुप क्या है कि जिसमें कॉमन वर्ड रहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है उसको गूगल ग्रुप करके आपको दे देता है ताकि आपको उसके हिसाब से लैंडिंग पेज बना सको. अगर कोई पूमा का शूज लेने के लिए गया है और अगर आप फ्लिपकार्ट ऐसे पेज पर लैंड कराएगा कि जिसमें सारे शूज है तो क्या करोगे आप, बाउंस हो जाओगे ना, वहां से निकल जाओगे क्योंकि यू विल नॉट फाइंड योर डिजायर्ड प्रोडक्ट इजीली. लेकिन अगर आपने पुमा शूज के लिए सर्च किया है और आपको वो पेज पर लैंड कराएगा जिसमें सिर्फ पुमा के शूज है तो यू विल गेट एंगेज विद दैट पेज. और एक स्टेटिस्टिक्स ऐसा है कि यूजर नॉर्मली 3 ही सेकंड में डिसीजन ले लेता है कि ये वेबसाइट उसके लिए काम की है कि नहीं है, ओनली 3 सेकंड. तो वो 3 सेकंड आपके लिए कैसे आप उसको कन्विंस कर सकोगे विद द हेल्प ऑफ द बैनर विच यू हैव एट द टॉप ऑफ द पेज एंड नंबर 2 बाय शोइंग द रिलेवेंट प्रोडक्ट्स. अगर प्रोडक्ट वेबसाइट है तो सर्विस है तो सर्विस के रिलेटेड. तो 3 सेकंड में अगर आप यूजर को कन्विंस नहीं करोगे तो आपका बाउंस रेट हमेशा ज्यादा होगा, राइट. तो वो सारी चीज यहाँ से कीवर्ड रिसर्च में आपको सिखाऊंगा, राइट. यहाँ से ये भी पता लगेगा कि डेंटिस्ट की डिमांड सबसे ज्यादा कब रहती है, कौन से मंथ में रहती है, राइट. फेब्रुआरी सबसे ज्यादा, अगस्त, सितंबर, तो ये 2 दिन में अगर आपके पास डेंटिस्ट का प्रोजेक्ट है या आप खुद डेंटिस्ट हो तो ये 3-4 महीने में आपको आपका मार्केटिंग बजट ज्यादा कर देना चाहिए, राइट. क्लियर. कौन से डिवाइस से लोग ज्यादा ढूंढते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर सर्चिंग फॉर डेंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल डिवाइस. तो अगर उनकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो मोर देन 50% ऑफ द यूजर्स को लूज कर देंगे, राइट. तो
आप कोई भी वेबसाइट बनाओ वो रिस्पॉन्सिव तो होनी चाहिए, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय रिस्पॉन्सिव? वो सभी डिवाइस में प्रॉपरली दिखनी चाहिए और आप फॉन्ट इजिली रीड कर सको, उस तरीके की होनी चाहिए, राइट? इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव. तो वो है. तो ये सारी चीज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च में सिखाऊंगा, राइट? और जो टूल है, जो हमने मैक्रो बनाया है, ये रहा ये मैक्रो. तो इससे क्या होगा, ओपन इज ऑलरेडी ओपन, रीओपनिंग विल कॉज द चेंजेस, नो, ओके. तो यहां पर हम लोगों ने ये किया है कि हमने ये मैक्रो बनाया है और ये मैक्रो में हम यूजर के इंटेंशन के हिसाब से आपको यहां पर लिख देना है कि यूजर का इंटेंशन बाय करना है या इंफॉर्मेशन लेना है, राइट? जब भी कोई बंदा गूगल पर सर्च करता है तो उसके दो इंटेंशन रहते हैं, वेदर दे वुड लाइक टू बाय दिस प्रोडक्ट और सर्विस और दे वुड लाइक टू गेट द इंफॉर्मेशन. अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि भाई हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ, तो वो मेरा पर्पज डेंटिस्ट को दिखाना नहीं है, मेरा पर्पज है इंफॉर्मेशन लेना है, राइट? तो वो कीवर्ड को आपको कैसे फिल्टर करना है, राइट? तो वो यहां से आप वो वर्ड को ऐड करके, जैसे भाई हाउ है, व्हाट है, अगर वो आपके कीवर्ड में रहता है तो यूजर का इंटेंशन क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा. तो इंफॉर्मेशन के लिए आपको आर्टिकल लिखना है और जिसमें यूजर का इंटेंशन बाय करना है उसके लिए आपको लैंडिंग पेज बनाना है, आपकी वेबसाइट पर पेज बनाना है, क्लियर? तो ये सारी चीज आप यहां से, अगर सपोज मैंने यहां पर इंपल्स लिख दिया सपोज, तो ये कीवर्ड में जहां पर भी इंपल्स होगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी फाइंड नेक्स्ट, सपोज इंपल्स यहां पर नहीं लिखा है लेकिन और कोई कीवर्ड ले, यूथ ले लेते हैं सपोज, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, जहां पर भी यूथ होगा वहां पर ये फॉल्स नहीं आना चाहिए, ये एक्चुअली ट्रू आना चाहिए, तो ये इनकम्प्लीट है. यहां पर फॉर्मूला मैनेजर सर्विस, यस ये नहीं लिया इसलिए, ये ले लिया, कर दिया करेक्ट. एंड अगर मैं यहां पर मैक्रो फिर से रन करूंगा, क्लोज कंट्रोल एम, तो यहां पर यूथ पर आ गया ट्रू, ट्रू आ गया, यानी जितने भी कीवर्ड में यूथ होगा वो यहां पर ट्रू कर देगा. हो गया सभी में ट्रू. तो जो चीज पहले मैं 3 घंटे या 4 घंटे में करता था वही कीवर्ड रिसर्च अभी आप 1 घंटे में कर पाओगे, और ये टीडियस प्रोसेस भी है, राइट? क्योंकि आपके पास अगर 600 से ज्यादा कीवर्ड है और वो सभी को इस तरीके से फिल्टर्ड आउट करना है तो इट इज अ टीडियस प्रोसेस, लेकिन वो हमने ऑप्टिमाइज कर दिया अभी, और ये अभी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है ये चीज. ओके, सो ये दैट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टीच यू, पेज ऑन पेज. सो पेज ऑन पेज गूगल नॉर्मली रैंकिंग में 200+ पैरामीटर्स कंसिडर करता है जब किसी को भी रैंकिंग देना है तब, जैसे मैंने ऑक्शन बताया, तो उसी तरीके से जब आप कोई भी कीवर्ड से सर्च करते हो तो ऑक्शन होता है, वो ऑक्शन में 200 पैरामीटर्स को वो चेक करता है, और वो 200 पैरामीटर्स में से जो वेबसाइट ने सबसे ज्यादा पैरामीटर को सेटिस्फाई किया है उसको सबसे पहले रखता है, उसके नीचे जिसने कम उससे कम किए उसको रखता है, वो हिसाब से रखता है. तो पेज ऑन पेज इज वेरी क्रूशियल इफ यू वुड लाइक टू गेट टॉप 10 रैंकिंग फॉर योर कीवर्ड. तो वो कैसे करना है, राइट? कि पेज ऑन पेज में कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी एलिमेंट्स है जो गूगल रैंकिंग जनरेट करते वक्त टेक केयर करता है. तो वो कैसे करना है वो मैं पेज ऑन पेज में सिखाऊंगा. इमेज ऑल्टर एंड टाइटल टैग, एडवांस सर्च इन गूगल, तो ये सारी चीज मैं आपको, एडवांस सर्च इन गूगल इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, कि अगर आपको किसी भी चीज के लिए ढूंढना है तो तुरंत ही आप ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एडवांस सर्च, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे ढूंढना है कि मुझे ये ढूंढना है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं कॉम्पिटिटर, तो मैं इससे तुरंत ही ढूंढ सकता हूँ, राइट? जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, राइट, पीडीएफ, आप ये पीडीएफ से भी कर सकते हो, या और एक तरीका है एडवांस सर्च में, एडवांस सर्च में ये फाइल टाइप है उसमें आपको पीडीएफ सिलेक्ट कर लेना है और एडवांस सर्च. तो यहां से आपको जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल सेंड करते होंगे वो किस तरीके से सेंड करते हैं वो यहां से मिल जाएगा. तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप गूगल का इस्तेमाल करके, राइट, गूगल का इस्तेमाल करके आपका काम
बहुत ही आसान कर सकते हो, राइट? ये इसका प्रपोजल है. क्लियर? सो यू कैन डू द कॉम्पिटिटर एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एडवांस गूगल सर्च. उसके बाद है ये सारी चीज है, टूल्स का कैसे इस्तेमाल करना है. तो हमारे पास 100+ टूल्स है, वो मैं सभी आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लोगे. जैसे ये रिस्पॉन्सिव टेस्टर है, ये ऑसम स्क्रीनशॉट है, ये लैंग्वेज है, तो ये सारे टूल्स है जिससे आप आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हो, राइट? व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन. सो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, राइट? सो व्हाट इज कन्वर्जन, कोई बताएगा मुझे कन्वर्जन क्या है? व्हाट इज कन्वर्जन नंबर वन एंड व्हाट इज कन्वर्जन रेट. उसके बाद व्हाट इज कन्वर्जन, हाँ, लेकिन मार्केटिंग के टर्म में वो सही नहीं है. नंबर ऑफ लीड्स जो आती हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं, उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं. राइट राइट राइट, वेरी ट्रू, गुड. आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल विजिटर्स में से कितने लोगों ने आपको लीड दी, वो बोल सकते हो. और सेकंड फेज है कि उसमें से कितने कन्वर्ट हुए. हाँ, सो कन्वर्जन मीन्स व्हेन यूजर कंप्लीट योर डिजायर्ड एक्शन, राइट? व्हेन यूजर कंप्लीट योर डिजायर्ड एक्शन. सो आपकी डिजायर्ड एक्शन, किसी को वो रहता है कि कोई फोन करे वो मेरी डिजायर्ड एक्शन है, कोई फॉर्म भरे वो मेरी डिजायर्ड एक्शन है, कोई न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करे वो मेरी डिजायर्ड एक्शन है. तो व्हेन यूजर कंप्लीट योर डिजायर्ड एक्शन इट इज कॉल्ड कन्वर्जन. और कन्वर्जन रेट मानी 100 में से कितने लोगों ने ये काम किया. तो कैसे कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, आप समझो कि अगर मुझे अभी 100 में से 2 बंदे रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं, अगर वो मैंने स्मार्ट चेंजेस करके 4 कर दिए, यानी 2% से मेरा कन्वर्जन रेट बढ़ाकर 4% कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपना बिजनेस 10x कर दिया, राइट? क्योंकि 2 लीड आ रही है और महीने के 10 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अगर 4 लीड आएगी तो 10 से 15 तो लोग लेंगे ना. सो दैट इज द थिंग, कि दैट इज द पोटेंशियल, कि कैसे. तो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की मेरे पास 50 से ज्यादा प्रूवन टेक्निक्स है, कि वो अगर आप वेबसाइट पर, हर एक वेबसाइट में हर एक इंप्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन आपकी वेबसाइट में जो काम की है वो अगर आपने इंप्लीमेंट उसमें कर दी, तो किसी भी क्लाइंट या किसी भी डोमेन में उसकी लीड कंफर्म डबल हो जाएगी, कंफर्म डबल हो जाएगी, राइट? तो वो मैं आपको सिखाऊंगा. यहां पर है हमारा टॉपिक कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एसईओ ट्रेनिंग. राइट, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस पेज. तो सर्विस पेज में आपको किस तरीके से कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है वो लिखा है यहाँ पर. होम पेज है, उसके बाद है यूजर फ्रेंडली नेविगेशन है. तो ये सारी चीज आपको मैं कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में सिखाऊंगा. उसके बाद है लोकल बिजनेस सबमिशन प्रमोशन. तो लोकल में आपको किस तरीके से टॉप में आना है, जैसे मैंने अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट अहमदाबाद के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया, तो वही अगर आपका बिजनेस है तो गूगल लोकल में आपके एरिया में किस तरीके से आपको टॉप में आना है वो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा. फ्री लिस्टिंग पेड में भी आ सकते हो, अगर आपको आरओआई मिल रहा है तो आप पेड भी कर सकते हो, लेकिन ये फ्री है. गूगल एनालिटिक्स, सो गूगल एनालिटिक्स में किस तरीके से आपको ट्रैक करना है, कौन से टाइम पर ये लोग आए, कौन से डे पर सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, राइट? आवर ऑफ द डे है, और यहाँ पर आपको डे ऑफ द वीक भी मिलेगा कि कौन से दिन में मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है, राइट? तो यहाँ पर आप इजीली ट्रैक कर सकोगे कि सबसे ज्यादा लीड मुझे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को सबसे ज्यादा मिलती है, और उसके बाद ट्यूसडे को सबसे ज्यादा मिलती है और फ्राइडे को सबसे ज्यादा मिलती है. तो ये 3 दिन पर, 0 इज स्टैंड फॉर संडे, राइट? और 1 इज ऑफकोर्स फॉर मंडे एंड सो ऑन. तो ये चीज भी आप एनालिटिक्स से पता कर सकते हो. तो आपके डेटा के हिसाब से आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए. क्लियर? आप यहाँ से ये भी तय कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपको लीड दी, राइट? फॉर एग्जांपल मुझे कितने लोगों ने डेमो लेक्चर के लिए अप्लाई किया वो मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पर लास्ट 30 डेज में 50 लोगों ने मुझे डेमो लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट भेजी है या डाउनलोड सिलेबस किया है. टू इन नटशेल मेरे पास लीड आई है, राइट? और कौन कौन से सोर्सेज से आई है, गूगल ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा आई है क्योंकि मैं सब पर टॉप पर हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आई है, उसके बाद गूगल पेड मार्केटिंग से आई है, ब्लॉग आर्टिकल एंड सो ऑन, सभी जगह से मुझे. तो मुझे कौन से एरिया में फोकस करना है वो भी यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि अभी मेरे पास गूगल ऑर्गेनिक इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी, राइट? उसके ऊपर तो सबसे मुझे, क्योंकि 50% ऑफ द लीड्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द गूगल ऑर्गेनिक, राइट?
उसके बाद है कि पीपीसी कैसे करना है, राइट। सो पीपीसी का कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का बताया था, कहाँ पर गया, उसी तरीके से आपको पेड में किस तरीके से कैंपेन बनाना है, किस तरीके से क्वालिटी स्कोर बढ़ाना है, वो सारी चीज में आपको ये पीपीसी के ट्रेनिंग टॉपिक्स में सिखाऊंगा। ईमेल मार्केटिंग, सो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखनी है, उसकी हेडलाइन कैसी होनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ओपन रेट मिले, नंबर वन, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ईमेल पर क्लिक करें, राइट। जैसे मैंने बताया कि लास्ट में मैंने जो फेसबुक पर मार्केटिंग की थी उसमें मैंने स्टार्ट किया था गेट 15,000 रुपीज पर मंथ, मेरी फर्स्ट लाइन ये थी। तो अगर आप किसी भी चीज को मनी के साथ, कंफर्ट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, या फिर ये तीन चीज के साथ अगर आप अटैच कर देते हो ना, तो हमेशा आपको कन्वर्जन रेट ज्यादा मिलेगा, हमेशा। मनी, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, अगर आपकी पहली लाइन यूजर को साइकोलॉजिकली ये चीज के लिए ट्रिगर करती है, फील लाइक हीवन, राइट। अगर कोई किसी को अपना रियल एस्टेट या अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, अपना फ्लैट बनाया है और बेचना है, तो फील लाइक हीवन, तो वो उसने कराया कंफर्ट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट की, राइट। तो वो आपको ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी आप कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग, यानी अगर आपको ब्लॉग लिख के पैसे कमाने हैं, राइट, तो वो भी आप कर सकते हो। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज आपको पैशन होनी चाहिए लिखने की, नंबर वन, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, राइट, और आपको एसईओ के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ब्लॉग लिखकर भी पैसे कमा सकते हो या बहुत ही अच्छे कमा सकते हो, राइट। वो मैं सिखाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग में। मोबाइल मार्केटिंग, सो वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखनी चाहिए, राइट, किस तरीके से कॉल टू एक्शन रखने हैं। जैसे अगर आप मेरी वेबसाइट देखोगे, राइट, तो अगर आप इसको मोबाइल डिवाइस में ओपन करोगे तो वो ऐसी दिखेगी, राइट। यानी कहीं पर भी आप हो, राइट, एट एनी स्टेज ऑफ द वेबसाइट, इफ यू वुड लाइक टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली विद द हेल्प ऑफ दिस बटन, वो हमने फ्रीज कर दिए है, राइट। रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर, ये ईमेल है और ये कॉल है, ये अभी अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में डिवाइस में ये, यू विल फाइंड कंप्लीटली फाइन, राइट। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से करना है, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 2000 रुपीज में 200 लीड ली थी फेसबुक एड्स मैनेजर, वो जब भी ओपन हो रहा है हम दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। सर, जो हम गेम्स खेलते हैं उसके बाद अगर कोई स्टेज खत्म हो जाता है उसके बाद वो एडवर्टाइज आती है, वो एडसेंस है, एडसेंस ही है वो, जिसमें आपको जब भी कोई बंदा क्लिक करता है तो 30% टू 40% गूगल को मिलता है और 60% टू 70% जो भी एड दिखा रहा है उसको मिलता है। अगर आपने 10 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, आप जब गेम खेल रहे हो और मैं 10 रुपये सपोज पे कर रहा हूँ गूगल को, तो 7 रुपीज़ या 6 रुपीज़ आपको मिलेगा, 3 रुपीज़ गूगल लेगा। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो किस तरीके से पेज बनाने हैं, किस तरीके से एड बनानी है, किस तरीके से टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन करना है, तो वो सारी चीज मैं फेसबुक मार्केटिंग में आपको, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, उसमें हम सिखाएंगे, यूट्यूब है। उसके बाद है वर्क मैनेजमेंट, तो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट और ये बहुत ही कम लोग इसको कर पाते हैं। तो किस तरीके से क्लाइंट को वर्क रिपोर्ट भेजना है, राइट, सपोज आपके पास ऑलरेडी है और अगर आपको मंथली वर्क रिपोर्ट, क्योंकि एसईओ का बिजनेस मॉडल मंथली रहता है, आपको एवरी मंथ यू हैव टू सेंड द रिपोर्ट एंड कन्विंस द क्लाइंट फॉर द नेक्स्ट मंथ सर्विस, तो वो किस तरीके से भेजना है, एसईओ मंथली वर्क रिपोर्ट, सो वर्क रिपोर्ट किस तरीके से भेजना है, यहां पर आपको ईमेल मिलेगा, किस तरीके से उसको दिखाना है, कौन सी चीज, कि ये महीने में हमने ये किया, राइट, ये किस तरीके से हमने रैंकिंग इम्प्रूवमेंट किया, किस तरीके से हमने ट्रैफिक में इम्प्रूव किया, किस तरीके से लीड में इम्प्रूव किया, तो ये आप किस तरीके से भेजना है और नेक्स्ट मंथ हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करने वाले हैं,
राइट. सो ये चीज आपको वर्क मैनेजमेंट का पार्ट है वो हम सिखाएंगे. मंथली स्ट्रेटजी, तो मंथली स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है, कहाँ पर गई मंथली वर्क रिपोर्ट, मंथली एसईओ स्ट्रेटजी. तो किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, वीक के हिसाब से किस तरीके से डिफाइन करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारी चीज आपको मैं पूरा फॉर्मेट दूंगा. क्योंकि ये भी एक बहुत चीज है, क्योंकि एसईओ में अभी बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई है, तो उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, कौन से मंथ में कौन सी चीज एक्टिवेट करनी है, कौन करेगा, तो ये सारी चीज के लिए हमने एक पूरा फॉर्मेट बना दिया है कि भाई कौन करेगा, उसका स्टेटस क्या है, वीक वन में क्या होगा, वीक टू में क्या होगा, एंड सो ऑन. राइट. तो ये पूरा हम, ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी एक्टिविटीज है जो मैं आपको सिखाऊंगा. ये पूरी एक्टिविटीज है, पहले महीने सभी एक्टिविटीज नहीं करनी है, लेकिन हमने ये एक जगह पर सभी एक्टिविटीज को स्टोर कर दिया है. राइट. सो मैं आपको एसईओ, पार्शियली एसईओ मैं सिखाऊंगा आपको, कुछ चीज कुणाल सर आपको सिखाएंगे, गूगल एनालिटिक्स एंड पीपीसी में आपको सिखाऊंगा, सोशल मीडिया कुणाल सर सिखाएंगे आपको. डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी, तो यस ऑफ कोर्स वी डू प्रोवाइड जॉब गारंटी एंड यू कैन एक्सपेक्ट 100% जॉब फॉर श्योर. मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूं तो स्टिल आई कैन डू दिस कोर्स, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस कोर्स. आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, आई हैव कंप्लीटेड एमएससी विद मैथ्स एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द डिजिटल मार्केटिंग. राइट. तो आप कर सकते हो. व्हाट विल बी द टाइमिंग एंड डेज ऑफ द लेक्चर, तो क्या रहेगा, तो मैं, हम लोग ऐसा है हमारा कि 10 बंदे जो भी एक बैच में हो जाते हैं, मैक्सिमम 10 टू 12 बंदे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ताकि सभी लोगों को पर्सनली अटेंशन मिले. तो 10 टू 12 बंदे जो भी टाइम पर बैच में हो जाते हैं, वो टाइम की हम बैच स्टार्ट कर देंगे, वेदर इट इज संडे, वेदर इट इज वीकडेज और वेदर इट इज वीकेंड. मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप शुरू में 10,000 से 15,000 की सैलरी इजिली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी ये फील्ड में हो तो 20-30% का इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है. मुझे जो मैंने फी पे की है वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी. राइट. तो अगर आपको 12,000 की जॉब मिलती है तो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, 2 महीने में. राइट. स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज, तो ये जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है वो सारे बंदों की सक्सेस स्टोरीज है. ओके. सो थैंक्स फ्रेंड, दैट इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर. आई होप कि आप सब लोगों ने कई सारी चीज आज गेन की है. राइट. ओके. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अभी मैं आप लोगों का एक फास्ट टर्म फास्ट रिव्यू ले लेता हूँ कि आपको, आप जब हम नेक्स्ट लेक्चर फ्री अटेंड अरेंज करते हैं तो आपको कौन से टाइम कन्वीनियंट है, पहला 2 लेक्चर, उसके बाद आप जा सकते हो. Okay.